नमस्कार, आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। राउरकेला स्टील प्लांट द्वारा ठेका श्रमिकों को प्रशंसनीय प्रदर्शन हेतु पुरस्कृत। सिंटरिंग प्लांट 2 में मां का कर्मचारी पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। और HRD में कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस सिस्टम पर कार्यक्रम आयोजित। अब समाचार विस्तार से। राउरकेला स्टील प्लांट RSP की तत्कालिक मान्यता योजना के तहत 29वें पुरस्कार वितरण समारोह 28 जून को सिंटरिंग प्लांट 2 विभाग में आयोजित हुआ। महाप्रबंधक सिंटरिंग प्लांट श्री SR दत्त ने समारोह की अध्यक्षता की और मेसेस एम्प टेक इंजीनियर्स के तहत कार्यरत 6 ठेका श्रमिकों को उनके अनुकरणीय योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ प्रबंधक, कामिक CLC श्री S देव एवं संबंधित ठेकेदार उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री दत्त ने ठेका श्रमिकों के साथ साथ ठेकेदारों को उनके प्रयासों के लिए बधाई दी और उन्होंने इस उदाहरण का दूसरों को अनुकरण करने हेतु उनसे प्रेरित करने का आग्रह किया। प्रारंभ में श्री देव ने योजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी और धन्यवाद ज्ञापित किया। उल्लेखनीय है कि ठेका श्रमिकों को आवश्यक परिवर्तन के साथ हनीकम्प सहित हॉट स्क्रीन चूट के लिए एकल रोल क्रशर की क्षतिग्रस्त बेस प्लेट की बदलने के लिए सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि 2014 नवंबर में प्रारंभ की गई इस योजना में अब तक 29 तत्कालिक पहचान पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें 162 ठेका श्रमिकों को पुरस्कृत किया जा चुका है। यह पुरस्कार व्यक्तिगत सुरक्षा, प्लांट मशीनरी, असुरक्षित कार्य एवं स्थिति को दूर करने के साथ साथ प्लांट के निष्पादन में सुधार लाने हेतु कार्यों में अभिनव विचारों के उपयोग से समय और लागत में बचत करने के प्रयास, गुणवत्तापूर्ण कार्य एवं सुझावों के लिए दिया जा रहा है। सिंटरिंग प्लांट 2 में 29 जून को आयोजित एक समारोह में महाप्रबंधक सिंटरिंग प्लांट श्री SR दत्त ने समारोह की अध्यक्षता की और विभाग के OCT श्री A सोरंग, SOST श्री D मुंडा एवं श्री A मल्लिक को क्रमश मार्च, अप्रैल और मई के लिए माह का कर्मचारी पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर श्री दत्त ने अपने वक्तव्य में पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को उनकी तत्परता, समर्पण और प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने सभी से उनके द्वारा स्थापित उदाहरणों के आत्मसात करने का आग्रह किया। उल्लेखनीय है कि सोरंग ने ऑयल फिल्ट्रेशन यूनिट के रिवाइविंग और ESP के मेंटेनेंस में महत्वपूर्ण योगदान हेतु मान्यता प्राप्त की। श्री मुंडा को लाइन के रीसाइक्लिंग और फ्लक्स फीडरों द्वारा सिंटर क्वालिटी के अनुरक्षण में उनकी भूमिका के लिए सम्मानित किया गया, जबकि श्री मल्लिक ने SSC 12 जंक्शन हाउस 22 में जमे हुए अत्यधिक सिंटरिंग फंड्स के निष्कासन में सहयोग करने हेतु पुरस्कार प्राप्त किया। सहायक प्रबंधक कामिक श्री S गरुड़ ने कार्यक्रम का संचालन किया। CPTI में 29 एवं 30 जून को कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस सिस्टम पर 1-2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में BSL बोकारो और RSP के SR से E6 स्तर के कुल 19 संभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान संभागियों को कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस सिस्टम की तकनीकी एवं अवधारणाएं, ट्राइबायोलॉजी के मूल तत्व, वाइब्रेशन मेंटेनिंग, हाइड्रोलिक सिस्टम की स्थिति मॉनिटरिंग एवं विद्युत उपकरण थर्मोग्राफी की स्थिति मॉनिटरिंग तकनीक और इसके लाभ के संबंध में जानकारी दी गई। सैद्धांतिक सत्रों को रोटेटिंग मशीन के संतुलन पर केस स्टडीज और प्रदर्शन के साथ पूरा किया गया। सहायक प्रबंधक MSS श्री रिकी अग्रवाल, उप महाप्रबंधक पाइपलाइन श्री के समझदार, उप प्रबंधक MSS श्री D सारंगी एवं उप महाप्रबंधक HSM श्री P सजित एवं वरिष्ठ प्रबंधक E एवं ES सुश्री शांति कुमारी कार्यक्रम के फैकल्टी थे। उप महाप्रबंधक CPTI श्री S महंती ने CPTI के वरिष्ठ इंस्ट्रक्टर श्री S के नायक के सहयोग से कार्यक्रम का संचालन किया। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।